बिहार में दहेज की वजह से ना जाने कितनी ही विवाहिताओं की जिंदगी की खुशियां छिन चुकी हैं। भोजपुर जिले में अवंतिका, पूजा राज, रानी, रूपा, राजमा, बेबी पति की प्रताड़ना और दहेज की शिकार हैं। भले ही दहेज के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुहिम चला रहे हैं, लेकिन दहेज के दानवों की वजह से सूबे की बेटियों की जिंदगी नरक बन चुकी है। थक हार कर भोजपुर में दहेज की मार झेल रही अवंतिका ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। अभी ये न्यूज़ सीएम साहब चाहे पीएम साहब देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्ची समझ के सर मेरा इंसाफ कीजिए, अन्यथा मुझे आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं आपसे लास्ट बार गुजारिश करती हूँ, प्लीज। एक तो ससुराल वालों से मिल रही प्रताड़ना और दूसरे कोर्ट का चक्कर लगाकर थक चुकी अवंतिका व्यवस्था में बदलाव करने की मांग कर रही है। व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर व्यवस्था ठीक हो जाएगा ना, तो सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाएगा। किस तरह की व्यवस्था की बात? जैसे कि लड़के को बेल मिल जा रहा है, एक बार भी लड़की को हाजिर नहीं किया जा रहा है। किस आधार पे? एक बार जब उनको बेल मिला इस आधार पे कि तुम लड़की ले जाओ तो ले जाओ, तुम खुलेआम घूमोगे, मैं मैके में हूँ और तुम ससुराल घूमोगे, ये कौन सा व्यवस्था है? उसमें लिखा रहता है मान सम्मान। अरे मान सम्मान तो दूर पर एक फोन भी हमारे पास नहीं करते, ना मिलने की कोशिश करते हैं, उल्टा पटिशन डाल देते हैं कि लड़की हमारे साथ मारपीट करके गई है, बेल वो बना के भाग जाते हैं, उल्टा मेरे पटिशन। वो डेट चलन भी साबित कर दे रहे हैं कि लोग, कई लड़कियों को ऐसा है कि छोड़ने के लिए बच चलन, उसको ये वगैरह वगैरह, मतलब एक औरत के ऊपर हजार कीचड़ उछालने के लिए ऐसी है वैसी तैयार रहते हैं वो। एक महिला को उसके पति ने दहेज की लालच में छोड़ दिया, महिला कोर्ट में इंसाफ के लिए भटक रही है। वहीं पति ने दूसरी शादी कर घर बसा लिया, अब वो कभी पुलिस तो कभी कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। पर वो ले जाए तब ना, पर नहीं ले जा रहा है, वो दूसरा शादी कर लिया। अब बताइए अब हम लोग क्या करें? अब उसके लिए हम लोग एसपी के पास गए, एसपी बोला कि ठीक है तुम जज साहब के पास जाओ। जज साहब के पास गए तो जज साहब बोल रहे हैं कि आप जाइए एसपी के पास लिख कर दीजिए, लेटर दीजिए, वहाँ से कुछ रीजन आएगा तो आपको देंगे। इतना 5-7 महीना हो गया उनका शादी के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहेज की मार पूजा राज पर भी पड़ी है। अभिषेक राज नाम के युवक से प्रेम विवाह करने वाली पूजा की एक बेटी भी है, लेकिन ससुराल वालों को मुंह मांगा दहेज चाहिए। साथ ही बेटी पैदा होने पर भी ससुराल वाले नाराज हैं, इसलिए पूजा को घर से भगा दिया गया। वो लोग इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि उन लोगों का शादी के वक्त कहते हैं कि हमको दहेज नहीं मिला है, हम इसलिए हम नहीं रखेंगे। और तुम्हारी एक बेटी भी है, उसको कौन करेगा? मतलब मम्मी यही सब बात बोलती है कि हमको नहीं रखना है। ठीक है नहीं रखना है तो कोई तो रास्ता होगा, तो हम लोग लड़कियों का क्या करेंगे? दहेज के खिलाफ कानून तो है, लेकिन कोर्ट में लंबी बहस और खर्च का बोझ ढोना एक अकेली महिला के वश में नहीं है। सरकार को गंभीरता से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ का पीएम का नारा तभी जमीन पर उतर सकता है जब समाज बेटियों का सम्मान करना सीखेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।